कामठी थाना क्षेत्र के शेख बंकर कॉलोनी इलाके में एक मदरसे में कुरान पढ़ने गए 10 वर्षीय नाबालिग को मदरसे में पढ़ने वाले शिक्षक ने अप्राकृतिक प्रताड़ना दी और उसके बाद अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो जान से मारने की धमकी देने की घटना सामने आई है। इस संबंध में बंकर कॉलोनी निवासी 10 वर्षीय बालक द्वारा स्थानीय नवीन कामठी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार शिक्षक आरोपी का नाम जुनेद हाफिज मास्टर है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जब 10 वर्षीय बालक को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से शेख बंकर कॉलोनी के मस्जिद मदरसे में कुरान सीखने के लिए भेजा गया तो आरोपी शिक्षक ने कक्षा के बाद लड़के को रोक लिया और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया और इसके बारे में किसी को भी पता चला तो जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की हालत बिगड़ने पर घटना का पता चला और उसका इलाज निजी अस्पताल में कराया गया। इस संबंध में 10 वर्षीय बालक पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच की जा रही है। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। सदर प्रकरण मध्ये लाइफलाइन हॉस्पिटल कामठी या ठिकाणावरून एमएलसी प्राप्त झाली, ज्यामध्ये एका अल्पवयीन मुलाविरुद्ध सेक्सुअल असॉल्ट झालेला आहे अशी माहिती प्राप्त झालेली होती। त्या अनुषंगाने यातील जो पीडित अल्पवयीन मुलगा आहे याला विचारपूस करण्यात आली आणि त्यांच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर मुलाचे वडील यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली की त्यांचा मुलगा वय वर्ष 10 हा डॉक्टर शेख बुनकर कॉलोनी मस्जिद मदरसा या ठिकाणी मागील 2 महिन्यापासून कुराणचे शिक्षण घेण्याकरिता जातो आणि तो काल दिनांक 23/7/2022 रोजी दुपारी 2 वाजता मदरशामध्ये मदरसा क्लासकरिता गेलेला होता। सदरचा क्लास संपल्यानंतर 3 वाजायच्या सुमारास मदरशामध्ये शिक्षण शिकविणारे जुनेद हाफिज मास्टर यांनी पीडित मुलाला थांबण्यास सांगितलं आणि क्लासमधील इतर मुलं निघून गेल्यानंतर त्या पीडित मुलाचे मुलाशी त्यांनी अनैसर्गिक कृत्य केलेलं आहे म्हणून या प्रकरणामध्ये भादवी कलम 377 आणि बालकाच्या लैंगिक अत्याचारापासून प्रतिबंधात्मक कायदा कलम 4 आणि 6 अन्वये कामठी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर गुन्ह्यामधील आरोपी यांचा तात्काळ शोध घेऊन त्यांना गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेली आहे। आज रोजी आरोपीला आणि न्यायालयासमक्ष पेश करण्यात येऊन पुढील तपास सुरू आहे। लव यू दीपिका बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।